शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की आयोजित बैठक में शैक्षणिक विषयों पर विशेष रूप से विचार किया गया। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण व संस्कारयुक्त शिक्षा हो, इसके लिए सिलेबस में परिवर्तन भी किया जाए। संस्कृत को दूसरी कक्षा से शुरू करने के लिए सिलेबस को स्वीकृति प्रदान की गई है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की आयोजित बैठक में शैक्षणिक विषयों पर विशेष रूप से विचार किया गया। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण व संस्कार युक्त शिक्षा हो, इसके लिए सिलेबस में परिवर्तन किया जाए। संस्कृत को दूसरी कक्षा से शुरू करने के लिए सिलेबस को स्वीकृति प्रदान की गई। सतरंग और योग का सिलेबस जो कि SCERT सोलन ने बनाया है, उसे भी अप्रूव किया जाए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आजकल बहुत से स्कूलों में डमी एडमिशन करते हैं और बच्चे बाहर जाते हैं। ऐसे कार्यों को रोकने के लिए शिक्षा बोर्ड सर्विलेंस कमेटी बनाएगी और कोई विद्यालय ऐसी गतिविधियों में शामिल पाया गया तो उसकी संबद्धता समाप्त कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जहाँ पहले 40 बच्चों पर एक इनविजिलेटर लगाया था, क्योंकि कई स्कूलों में कमरे छोटे होते हैं जिनमें 40 बच्चे नहीं बैठ पाते, ऐसे में अब 25 बच्चों पर एक इनविजिलेटर रखा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रिंटिंग के टेंडर में इस मर्तबा अच्छा कागज लेकर पिछले वर्षों की अपेक्षा 3 करोड़ रुपए की बचत की गई है। जो कागज पहले 70,000 प्रति मीट्रिक टन लिया जाता था, उसे इस वर्ष में 59,000 प्रति मीट्रिक टन लिया गया। इसके अतिरिक्त अन्य परीक्षा संबंधी विषयों पर विचार किया गया। स्कूलों में शिक्षा का स्तर अच्छा हो, इसके लिए भी शैक्षणिक कमेटी की बैठक में जो निर्णय लिए गए उन्हें अप्रूव किया जाए। इसके अतिरिक्त प्रार्थना सभा में बदलाव करने सहित बैग फ्री डे पर विद्यार्थियों को क्या क्या किया जाए, इसके बारे में भी विद्यार्थियों को बताने का निर्णय लिया गया। पत्रकारों द्वारा पूछे गए 500 प्राइमरी स्कूलों में कमरों की कमी पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि इतनी कमी तो नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत कमी है उस पर कार्य किया जा रहा है और जहां एक कमरा है वहां दूसरा कमरा ऐड करने के लिए सरकार प्रयासरत है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड की आज बैठक थी जिसमें शैक्षणिक विषयों पर जो है विशेष रूप से विचार किया गया। प्रदेश में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और संस्कारयुक्त शिक्षा हो, इसके लिए सिलेबस में और क्यूरिकुलम में जो है वो परिवर्तन किया जाए। संस्कृत को दूसरी भाषा से प्रारंभ करने के लिए सिलेबस अप्रूव किया गया। चेस का और योग का जो है सिलेबस जो SCERT सोलन ने बनाया है उसे भी अप्रूव किया गया है। इसके अतिरिक्त जो बहुत सारे स्कूल्स आजकल डमी एडमिशन्स करते हैं और बच्चे जो हैं वो कहीं बाहर जाते हैं, उनको बंद करने के लिए बोर्ड जो है वो सर्विलेंस कमेटी बनाएगी और अगर कोई इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाया गया विश्वविद्यालय तो उसकी एफिलिएशन जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो है पहले 40 बच्चों पर एक इनविजिलेटर जो है वो लगाया जाता था। स्कूल के कमरे छोटे होते हैं जिसमें 40 बच्चे जो है कई स्थानों पर नहीं बैठ पाते, इसलिए निर्णय लिया गया कि 25 बच्चों पर एक इनविजिलेटर जो है वो रखा जाएगा। और इसी प्रकार से विशेष रूप से जो है वो जो टेंडर होते हैं प्रिंटिंग के, उसमें बहुत अच्छा कागज लेकर के पिछले वर्षों के मुकाबले पर 3 करोड़ रुपए की बचत जो है वो शिक्षा बोर्ड ने की है। जो पहले 70,000 रुपए पर मीट्रिक टन जो है वो कागज लिया जाता था, वो अब जो है वो 69,000 रुपए मीट्रिक टन के हिसाब से इस वर्ष जो है लिया गया है। ऐसे जो है वो बहुत सारे अन्य विषय जो हैं अपने एग्जामिनेशन के, उन पर भी विचार किया गया और स्कूलों में जो है वो शिक्षा का स्तर अच्छा हो उसके लिए बहुत सारे निर्णय लिए गए, जिसमें शैक्षणिक कमेटी की जो बैठक कल हुई जिसमें उसके प्रमुख सदस्य जो अतुल कोठारी जी आए थे उनके साथ बैठक के बाद जो डिसीजन लिए गए थे वो भी बोर्ड ने अप्रूव किए हैं। वित्त समिति द्वारा भी जो है वो कुछ निर्णय लिए गए वो भी अप्रूव किए गए हैं। तो इस प्रकार से जो है वो मुख्य रूप से ये बैठक शैक्षणिक विषयों को लेकर के थी कि प्रदेश में शिक्षा के दृष्टि से शिक्षा बोर्ड क्या कर सकता है। मेनली मॉर्निंग असेंबली में परिवर्तन किया जाए और बैग फ्री डे पर
क्या क्या विषय जो है वो विद्यार्थियों को बताए जाए ये भी तय किया गया। ये सूचना गलत है, 500 नहीं है। कुछ स्कूल ऐसे स्कूल हैं जहां पर कमरे जो हैं वो कम हैं, लेकिन ये कोई आज की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। हम बोल रहे हैं कि एक मिनट, मैं बता रहा हूं ना आपको, सुन लीजिए। 70 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का विकास हो रहा है, स्कूल नए खुल जाते हैं, खास करके चुनावों के दिनों में जो है, पिछली सरकार को आदत थी, वो चुनाव जब आता था तो नए स्कूल खोल देते हैं, वहाँ ना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंक्रेंस होती है। और बहुत सारे स्थानों पर ऐसे हैं जहाँ बच्चे 2 या 3-4 बच्चे हैं, तो इसलिए वहाँ पर गांव के लोग कई बार कह देते हैं कि हम स्कूल बनाएंगे, वो बने नहीं होते। लेकिन संख्या जो है वो ज़्यादा नहीं है, हमारे पास रिपोर्ट अभी लेटेस्ट हमने मंगवाई है। हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ एक कमरा है वहाँ पर कमरा जो है ऐड किया जाए। वक्त तो चला, एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।